और आपको हमने पढ़ाया था टाइप फोर में फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, जैसे हमने पढ़ा दो फॉर्मूले, कितने पढ़ा थे दो फॉर्मूले, कौन कौन, एक हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला इसका, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और एक हमने पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हमने दोनों को फॉर्म को ऐसे लिखा है, बस यहाँ माइनस बाद में और यहाँ प्लस, ठीक है। तो हमने बताया था कल आपको एक हिंट दिया था, और जब तीनों प्लस में हो इसके मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको देख के ये समझ सकते कि ये आएगा, और इसको देख के समझ सकते ये फॉर्मूले पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ किस में है, और नीचे में क्या है प्लस में, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब है इसके अंदर क्या है, आपको इस सवाल को कैसे हम फाइंड करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो ही टर्म देखो, आपको यहाँ पे ए दिख रहा है और क्या दिख रहा है बी, तो जिस पे स्क्वायर है ए पे स्क्वायर है, और किस पे स्क्वायर है, तो जिस पे स्क्वायर वही हमारा ए और बी बना, क्या बना, और इसमें देखो सेम चीज़, यहाँ भी ए पे स्क्वायर है, यहाँ पे किस पे बी पे स्क्वायर है, उसमें ए और बी बन गया ये वाला, तो जिस पे स्क्वायर होगा वो हमारा ए और बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए और बी, फर्स्ट टर्म ए और सेकेंड टर्म बी। अब यहाँ पे देखो आपको कहीं भी दिख रहा है कि ए स्क्वायर कहीं भी फॉर्म नहीं दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 25 तो दिख रहा है आपको, 25 दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे आपको खुद हम फर्स्ट बता रहे हैं, तो हमें 25 ले सकते हैं 5, ठीक है। अब देखो पी का पावर कितना है 6, तो हमें इसका होल पावर 2 लिखना है, क्योंकि वो स्क्वायर लिखना है ना, क्या लिखना है स्क्वायर, इसका मतलब है कि पी का पावर लिखना है 3, और इसका होल पावर 2, देखो 3 × 6 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 क्या जाएगा 25 × P, मतलब हमको कोई भी अगर लेना होगा फॉर्म, तो इसका हमको फॉर्म का क्या लेना है स्क्वायर लेना, क्या लेना है स्क्वायर, मतलब बाकी वैल्यू को अंदर डाल दो और इसका स्क्वायर करोगे तो इसके इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 6 था, कितना था 6, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे इसके साथ पी क्यू, क्या लेंगे पी क्यू। अब आगे समझते हैं, ठीक है, ये तो कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसको फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं, 30 पी क्यू और क्या है क्यू 4, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना दिख रहा है 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, क्योंकि 30 किसका स्क्वायर नहीं होता है, इसको मैं से छोड़ दिया, तो 9 का स्क्वायर किसका 3 का, और मुझे इसका होल पावर 2 चाहिए ना, होल पावर 2 से डिवाइड कर दो कितना बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 4, मतलब अंदर कितना लेंगे क्यू के पावर 4, और इसका होल पावर 2 कर दो, अब दो 3 का स्क्वायर 9, और क्यू 4 का होल पावर 2 कितना बन जाएगा क्यू 8 बन जाएगा, तो मतलब है कि अगर हमको पावर 2 में लेना है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया पी का मान 3 आ गया, यहाँ पे पावर 8 है, कितना पावर है, लेकिन हमको होल पावर 2 करना है, होल पावर 2, तो कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 4, मतलब ये वैल्यू इसके साथ आएगा, इसका होल पावर 2 होगा। अब समझे, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हम लोग, अभी आपने क्या समझा इस फॉर्म को कैसे लिखना है, आपको हमने बताया कि जिस पे स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर देखो कुछ इस नंबर का और इस नंबर का स्क्वायर दिख रहा है 25 का और 9 का, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इसका स्क्वायर लेना है, तो मुझे इसके साथ जो वेरिएबल है उसका भी क्या लेना होगा स्क्वायर लेना होगा, तो स्क्वायर लेने के लिए हमें इसको कितना डिवाइड करना होगा 2 से डिवाइड कर दो, कितना से, तो पी 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, इसका मतलब पी 3 बनेगा, क्या बनेगा पी 3, अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, मतलब 5 पी 3 क्या बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, तो 5 का स्क्वायर 25, अब पी 3 इंटू 2 कितना जाएगा पी 6, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला ए टू पावर एम होल पावर एन, क्या होता है ए टू पावर एम एन, मतलब पावर का पावर, पावर का तो क्या हो गया मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है इसलिए इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट टर्म क्या ये स्क्वायर है किसी नंबर का, नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, तो 30 पी 3 और यहाँ कितना है क्यू 4। अब नेक्स्ट देखो 9 किसी नंबर का स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम 3 को लिख सकते हैं, अब मुझे इसका होल पावर लिखना है 2, होल पावर तो 2 से डिवाइड कर दो क्यू को, तो क्यू 8 है, कितना आना चाहिए बताओ,
हाँ क्यू फोर इसका होल पावर टू, अब चेक करो थ्री का स्क्वायर नाइन और क्यू फोर इंटू टू कितना जाएगा क्यू एट। अब देखो ये बन गया, अब हमने क्या बताया था जिसपे स्क्वायर हो जिसमें वो हमारा बन जाएगा ए और हमारा बन जाएगा बी, तो हमारा ये ए बन गया और ये हमारा। अब देखो इसको चौथ, अब इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कौन सा वहाँ हो जाएगा टू ए बी। देखो कैसे ब्रेक करते हैं इसको, देखो एक टर्म और बढ़ा कर लिख लेते आगे प्लस, तो आगे क्या लिखा पहले टू ए कितना हमारा ए ना हो जाए ए, क्या ए बताओ कितना है फाइव पी थ्री। अब बी कितना हमारा है थ्री क्यू फोर और प्लस, तो ये ए स्क्वायर ये टू ए बी और ये बी स्क्वायर, तो थ्री क्यू फोर होल पावर टू। अब चेक करो हमने इसको तो ब्रेक नहीं किया, हमने टू ए बी का जो फॉर्म होता है उस पर ब्रेक कर दिया। देखो फाइव टू जा टेन और टेन इंटू थ्री कितना जाएगा थर्टी, देखो पी थ्री आ रहा है और क्यू फोर आ रहा है, इसका मतलब ये टू ए बी आ गया, क्या आ गया टू ए बी। अब हमारे लिए आसान हो गया, अब जो हमारा जो क्वेश्चन जो था वो किस फॉर्म में आ गया, इस जो इस क्वेश्चन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब हमारे लिए लिखना आसान है, अब मैंने बताया था क्या कि जिस पे स्क्वायर है जिसपे तो ए पे स्क्वायर है हमारा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, तो इस पे स्क्वायर कौन है ये है, तो इसका ए क्या बन जाएगा फाइव पी थ्री और एक और स्क्वायर किस पे इस पे है तो ये बन जाएगा बी हमारा, तो बी कितना बन गया थ्री क्यू फोर इसका होल पावर टू, यही आपका आंसर होगा। मतलब ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ये बन गया, तो ए स्क्वायर हुआ इसका बी स्क्वायर हुआ और प्लस टू, देखो टू है ए है और ये बी है, आ गया फॉर्म। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये फिर से एक और रिकैप कर दे आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर, अभी हम इसको मिटा रहे ताकि आप फिर से इसको आप बनाओगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे सबसे बताओ 20 किसका स्क्वायर होता है क्या, नहीं 4 का स्क्वायर होता है किसका 2 का, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर अब माइनस 20 बी को ऐसे छोड़ दो फिलहाल और प्लस ये किसका स्क्वायर होता है 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 बी क्योंकि यहाँ पे 2 पावर 2 से डिवाइड कर दो तो बी कितना है एक ही ना बी आएगा, इसका होल पावर 2 कर दो, इसका होल पावर देखो 5 का स्क्वायर 25 बी स्क्वायर हो गया। तो अब देखो अब हमने बताया जिसपे स्क्वायर होगा वही हमारा ए और बी बनेगा, इसपे स्क्वायर है और इसपे स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए और ये क्या बन जाएगा, तो अब उसको तो ब्रेक कर रहे हैं तो ए स्क्वायर उसके बाद क्या है माइनस टू ए बी है ना, क्या है तो टू इंटू ए कितना हमारा टू, बी कितना हमारा फाइव फाइव बी हाँ और प्लस फाइव बी स्क्वायर। तो अभी प्लस और माइनस में माइनस और प्लस में है ना, तो हमने बताया जब प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए कितना है टू और बी कितना है देखो ए स्क्वायर माइनस सॉरी इस बार प्लस होता है तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस देखो टू ए है और फिर बी है, तो इसका आंसर हो गया है आसान, अब आसान दिख रहा है आपको ना, बस ये क्या है एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल, क्या है बेस सवाल जो इस पे आता है इस पे होगा ठीक है। और कैसे फाइंड की फॉर्मूला बेस सवाल है, तो जो भी नंबर दिया जाएगा दो नंबर जो क्या होगा स्क्वायर होगा क्या होगा स्क्वायर, तो इसका फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपको देखना है ऐसा कौन सा दो नंबर है जो किसी नंबर क्या है स्क्वायर है, क्या होना चाहिए स्क्वायर ठीक है, उसके लिए मिटा दे। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड की देखो एक स्पेस स्क्वायर दिख रहा है आपको एक यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, देखो वहीं से इसके वैल्यू से हमने फाइंड कर लिया, किसे फाइंड कर लिया और देखो 4 by 9 किसका स्क्वायर होता है 4 किसका स्क्वायर और 3 का 9 किसका 3 का, हाँ तो 2/3 से देखो का एक्स का होल पावर 2 बताओ लिखते हैं ऐसे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर। और कैसे हम यहाँ पे अब इस नंबर के साथ वैल्यू कितना लेना है तो पावर कितना है 2, जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड करना है, जो भी पावर है क्या करेंगे उतना से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे पावर 2 है तो 2 से डिवाइड करो तो एक्स कितना एक्स आएगा एक ही एक्स आएगा, कितना एक्स आएगा एक, इसलिए हमें एक ही एक्स लिखा ठीक है, यहाँ पे एक ही एक्स लिखा। अब मुझे बताओ ये तो आपको किसी नंबर का फॉर्म नहीं दिख रहा है ना स्क्वायर है किसी का, इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल 16/15 xy। नेक्स्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है 16 किसका स्क्वायर होता है 4, नीचे क्या जाएगा 5
अब वाई कितना आएगा, वाई, हाँ 4/5 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो चेक करो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया और क्या होता है 2ab, टू ए बी इसको ब्रेक कर लेते देखो, तो 2/3 एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है ना, तो 2 into, मुझे इसको कुछ नहीं करना, मुझे क्या देखना 2 के बाद क्या आता है, ए कितना हमारा 2/3 एक्स, अब बी कितना हमारा 4/5 वाई, ये हो गया 2ab और उसके बाद 4/5 का वाई का होल स्क्वायर। अब चेक करो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो तो 4 2 जा 4, अब 4 4 जा 16 आ गया, अब 5 3 जा 15 और एक्स वाई दिख रहा है आ गया वैल्यू, इसका मतलब ये ए स्क्वायर बन गया और क्या बन गया बी स्क्वायर, और ये बन गया 2ab, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 एक्स और प्लस 4/5 वाई का होल स्क्वायर। इन तीनों क्वेश्चन से अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम जो फॉर्मूला बेस रहा होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। इसका सबसे बड़ा ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको देखना कि ऐसे कौन से दो नंबर जिसका स्क्वायर है, और आपको ये समझ अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा और प्लस माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। तो अब एक सवाल दे रहा आप लोग बनाने के लिए।